वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासेस। मैं भरत कुमार गुप्ता, आईएसटी इंस्टीट्यूट चैनपुर सिवा। आप सभी इसके पहले वीडियो में ग्रामर किसे कहते हैं वो आप सभी ने जाना, उसमें आप ग्रामर के स्टेप्स को जाना जो सबसे पहले आपको मिला था लेटर। लेटर के बाद की जो बात क्लासेस हैं जो वर्ड, जहां आप देख सकते हैं बोर्ड पे शब्द किसे कहते हैं। A group of many full letters are called word. अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। A group of many full letters are called word. अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। इसके कुछ examples भी हैं यहाँ पे, जैसे कि आप book, book के लिए B double O की, book means किताब। इसके लिए मैंने B दो O और K, यानी इतने अक्षरों को जोड़ने के बाद से इसके meaning बना। यहाँ पे and A N T, ant is city, यहाँ है parrot, P A double R O T, parrot is तोता, इत्यादि। शब्द के बाद हम आते हैं शब्द भेद पे। शब्द भेद पे शब्द भेद आठ है। There are 8 parts of speech in the English language, यानी अंग्रेजी भाषा में शब्द भेद आठ है। आप सभी देख सकते हैं लिस्ट, सबसे पहले है संज्ञा यानी noun, pronoun, adjective, verb, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। साथ ही साथ इन सभी की हिंदी है। हम आपको नाउन के बारे में इसकी थोड़ी सी परिभाषा पर फोकस करते हैं। ए नाउन इज नेमिंग वर्ड, ए नाउन इज नेमिंग वर्ड, यानी उच्चारण में जितने भी नाम आते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, बॉय, क्लास, फ्रेंड, लव, ये सभी संज्ञा के उदाहरण है। नाउन के बाद आता है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ये इसकी परिभाषा है, रिप्लेस ए नाउन, यानी जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। इसके भी उदाहरण आपको दिए हैं आई, वी, यू, ही, सी, ये आपके सर्वनाम उदाहरण है। इसके बाद आता है एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण की भी परिभाषा यहाँ दिया हुआ है, क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। ये जितनी भी परिभाषाएं हैं शॉर्ट फॉर्म में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप इसे आसानी से समझ सके। ये आपके समझने के लिए मैंने इसको शॉर्ट टर्म में समझाया है, जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों यानी उसकी विशेषता को दर्शाता है। जैसे रेड, टॉल, ब्यूटीफुल। रेड के लेकर मान लीजिए दे दिया गया एक एग्जांपल्स, दिस कार इज रेड, यह कार लाल है, इसकी विशेषता क्या है, लाल। राम इज टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है, राम की विशेषता क्या है, उसकी लंबाई। सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, सीता कैसी लड़की है, सुंदर, ये उसकी विशेषता है। इसके बाद आते हैं क्रिया, क्रिया के लेकर यहाँ दिया हुआ है एक्शन और स्टेट, यानी कि उसकी गतिविधि के साथ साथ उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए। जैसे आपका रन, स्लिप, राइड, रीड, ये सारे के सारे क्या है, क्रिया है। क्रिया के बाद आया क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। इसके भी कुछ फोकस है, क्वालिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब, यानी कि ये क्रिया विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे देख लीजिए, ब्यूटीफुली, क्विकली, स्लोली। सामान्यतः किसी मीनिंग में हम यानी कि किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर हम क्या बनाते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे आपको मैंने यहां दिया है brave, brave में मैंने क्या लगा दिया है, ly, ly लगाते ही क्या बन गया, bravely, जो हिंदी में हो जाता है बहादुरी से। हिंदी में क्या हो जाता है, बहादुरी से। जैसे दे दिया गया he fought bravely, वह बहादुरी से लड़ा। ये थे आपके क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद आता है संबंध बोधक अव्यय यानी प्रीपोजिशंस। इसमें भी हमारे हर एक वाक्य के में इसको जोड़ने का यानी संबंध को जोड़ने का काम है, जैसे इन, ऑन, एट, बाय, आफ्टर, फ्रॉम, ये इसके कुछ एग्जांपल्स भी है। जैसे आपको मैंने दे दिया राम, गोड,
टू मार्केट। राम बाजार जाता है, यहां टू लग गया, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, यानी कि यहां क्या कह रहा है, राम बाजार को जाता है। दूसरी एग्जांपल ले लिया, हरि कम फ्रॉम पटना, हरि पटना से आता है, यहां फ्रॉम ये भी हो गया आपका प्रीपोजिशन, यानी कि ये सभी का क्या एग्जांपल्स हो गए, संबंध बोधक अव्यय। इसके बाद आते हैं कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय, जिसके भी एग्जांपल्स यहां दिए हुए हैं, एंड बट सो बिकॉज और इसके भी एक एग्जांपल्स मैं दे देता हूं, राम एंड श्याम आर रेड, राम और श्याम मित्र है, यहां एंड क्या हो गया आपका कंजक्शन। इसके अलावा एंड है, बट है, सो है, बिकॉज है, और है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके कंजक्शंस हो गए, और आपके पास्ट स्पीच के अंतिम हो गया इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस को कहने के सिंपली मैं कह सकता हूं फीलिंग एंड इमोशंस, यानी मेरे मन से जो भी है, जैसे ओ आह हाय हुर्रा, ये सारे हमारे भाव को दर्शाता है, ये सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में दर्शाया गया है। इन सभी के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, या मैं अपना संपर्क आप सभी को स्थापित कर दूंगा, और ज्यादा से ज्यादा जो भी हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी के बीच भेज कर सकूं। दैट्स ऑल।